आवास दिलाने के नाम पर ग्राम प्रधान ने बेटे ने की 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद डिलारी ब्लॉक क्षेत्र के नेहटोरा गांव निवासी अहमद अली का मकान गरीबी के चलते मिट्टी का बना हुआ है। सालों से इसी मिट्टी के मकान में पीड़ित परिवार अपना गुजर बसर मेहनत मजदूरी कर रहा है, जिसके चलते इस साल हुई तेज बारिश ने पीड़ित के परिवार की मुश्किलें खड़ी कर दी, जिसमें बारिश ज्यादा होने के कारण मिट्टी का बना मकान भरभरा कर गिरने का खतरा परिवार को बना दिखाई दे रहा था, जिसके चलते ग्राम प्रधान सरवरी जहां के पुत्र से जब गरीब अहमद अली के पुत्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास लेने की बात कही, तो प्रधान पुत्र के बेटे ने आवास के नाम से 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी, जिसमें पीड़ित के पास 40,000 रुपए न होने के चलते वह उदास होकर ग्राम प्रधान के बेटे के पास से लौट आया। फिर क्या था, पीड़ित परिवार ने आवास के नाम पर रिश्वत मांगने वाले के खिलाफ लिखित रूप में पोर्टल के माध्यम से शिकायत पत्र दिया और उसके खिलाफ कार्यवाही की बात कही और गरीबी के चलते सरकार से आवास लेने को गुहार लगाई है। पीड़ित की चार लड़कियां हैं, चारों बेटियां जवान हैं, जिसमें अभी तक किसी भी लड़की की शादी नहीं की है। घर में बेटा अकेला मेहनत मजदूरी करके माँ बाप और बहनों का पालन पोषण कर रहा है, जिसमें अब उत्तर प्रदेश की ही सरकार से गरीब परिवार ने आवास लेने की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद अली, पिताजी का नाम अब्दुल अजीज। अच्छा, अब आपसे जो 40,000 रुपये मांगे गए हैं कॉलोनी के नाम से अपने लड़के से, क्या पूरा मामला है, कैसे आपके घर के हालात हैं? मेरे घर के हालात आप देख रहे हो कि कच्चे हैं, एक ईंट लगी हुई नहीं है, इस पर चमाचे में गिरने का डर है, बच्चों के दबने का डर है इसमें। मेरे लड़के ने नखलों को कार्रवाई करी, जो कुछ करी होगी उसने लड़के ने, वहाँ से इंक्वायरी डिलारी आई, डिलारी ब्लॉक में, जब डिलारी ब्लॉक से यहाँ प्रधान जी का लड़का, जो प्रधान जी हैं औरत है प्रधान जी, उनका लड़का आया यहाँ डॉक्टर, उसने फोटो चारों तरफ के औरों के पक्के खींच के और वो नखलों को रिपोर्ट लगा दी कि इनकी बाउंड्री पक्की है और मकान भी इनका पक्का है। हाँ, और मेरे लड़के से 40,000 रुपये मांगे के कॉलोनी करवा देंगे 40,000 रुपये। कैसे मकान है? मकान आप मेरे कच्चे हैं, मिट्टी के हैं, बिल्कुल लकड़ी ऊपर पड़ी हुई है, पन्नी डाल कर रह रही हूँ ऊपर। काम क्या करते हो? काम कुछ भी नहीं, लड़के करता है मेहनत मजदूरी का, मुझसे तो कुछ नहीं होता। कितने बच्चे हैं? बच्चे मेरे चार लड़की हैं, एक लड़का है। किसी की शादी की है? नहीं की शादी, शादी कहाँ से करूँ जब पूछा ही नहीं। तो कितने आपसे 40,000 रुपये विकास के नाम से मांगे हैं, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं कार्रवाई क्या चाहता हूँ, मतलब उससे ये होना चाहिए कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि मतलब या तो मेरा पक्का हो तो मुझे फांसी दे दो या सजा दो उसकी। दुनिया की कॉलोनी आ रही है, क्या बात मेरी नहीं आ सकती, जब मेरी स्थिति में है इस तरीके का कि मेरे पन्नी पड़ी हुई है छत पर, फिर भी 40,000 रुपये मांगे। और नखलाओ शिकायत की है? नखलाओ में ये तो मैं नहीं जानता, लड़के नहीं भेजा है वहाँ को, वहाँ से इंक्वायरी आई है यहाँ के लिए डिलारी ब्लॉक को। अब क्या मांग करना चाहेंगे, कुछ मांग करना चाहेंगे, कुछ विकास मिल जाए? हम तो यही चाह रहे हैं कि हमारा ये घरमड़िया बन जावे, विकास मिल जावे हमें, और क्या मिलेगा हमें।